हेलो दोस्तों, आज हम एक और डिज़ाइन बनाने वाले हैं फ्री कैड में। तो सबसे पहले इसमें 120 और 60 का एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। फ्री कैड में आते हैं और पैरामेट्रिक पार्ट में आते हैं। फिर हम यहाँ पे पार्ट डिज़ाइन के पहले स्केच क्रिएट करेंगे और यहाँ पे टॉप व्यू लेते हैं हम। ओके, अब यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं और इसमें हम वैल्यू देंगे। एल प्रेस करेंगे और इसे सिलेक्ट करके 120। आई प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करके 60। ओके, तो ये हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया, फुली कंस्ट्रेंट है। अभी इसे ओके करेंगे, क्लोज करते हैं इसे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें जाना है पैड के अंदर। पैड देंगे इसे, इसका हाइट यहाँ पर देख लेते हैं। हम टोटल हाइट दे सकते हैं बट हम यहाँ से माइनस कर देंगे। 10 यहाँ पर है और यहाँ पे टोटल 25 है, तो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। टोटल हाइट जो है हमारा यहाँ पर हम 10 देते हैं। उसके बाद और ये जो हाइट है ये नियर अबाउट 15 है, क्योंकि दोनों का विड्थ तो यहाँ पर सेम है। तो 15 और 10 यानी कि 25 होगा, और 25 और प्लस इधर का जो सेक्शन है वो अलग से बनने वाला है। तो यहाँ पर मैं 25 का टोटल हाइट ले लेता हूँ। ओके, से ओके करते हैं। अब इसमें मुझे बॉटम सेक्शन से ये जो सेक्शन है कट ऑफ वो पॉकेट करके कट करना है। तो उसके लिए हम इसे बॉटम फेस सिलेक्ट करके क्रिएट स्केच करेंगे। अब इसमें हम एक यहाँ पर आते हैं, एक्सटर्नल ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं, सिलेक्ट, और एक रेक्टेंगल लेंगे। इस पॉइंट से यहाँ तक क्लिक करता हूँ मैं। अब इसमें सेम एल प्रेस करेंगे, इसे 60। आई प्रेस करेंगे, गेन 60। क्लोज करते हैं, इसे पॉकेट करेंगे और इसका हाइट देंगे हम 10 mm। तो ये दोनों हो गया। अब इसमें टॉप व्यू में आते हैं, टॉप व्यू में क्रिएट स्केच अगेन करेंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटर स्पेस जो है 45 का है और 20 यहाँ से है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम 20 प्लस ये जो सेक्शन है ये कुछ 15 है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग बराबर नहीं है। तो 15 और ये 20 यानी कि 35 का जो है डिस्टेंस यहाँ से है, और ये 45 यानी कि 80 हो गए, और यहाँ पर 40 का जो है गैप रहेगा। ओके, तो 40 में से भी ये 15 और ये। ओके, तो सबसे पहले हम दो सर्कल्स क्रिएट करेंगे क्रिएट स्केच में। ओके, दोनों को इक्वल कर देते हैं और इसमें कंस्ट्रेंट कर देते हैं हॉरिजॉन्टली। ओके, अब इसमें हम रेडियस दे सकते हैं। यहाँ पर 15 है, दैट मीन्स कि हम 10 का रेडियस दे सकते हैं, सॉरी 30 में से। यहाँ पर 30 है, तो इसमें क्या है कि जो डायमेंशन दिया नहीं है, तो हम जनरली ऐसे ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं रेडियस यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं रेडियस 10 ले लेते हैं।
ओके और लेफ्ट डायरेक्शन से 20 और ये 15 यानी कि 40 का जो है गैप रहेगा। ओके तो यहाँ पर एक ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे, ओके अब इसमें एल प्रेस करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हम यहाँ पर देख सकते हैं 20 और 15 यानी कि 35, ओके 35 और ऐसे में जो है 30 का डिस्टेंस यहाँ से है सेंटर में। तो आई प्रेस करते हैं, इसे सिलेक्ट 30, ओके और फिर अगेन लेंथ लेते हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम देंगे 45, ओके अब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि 40 है। 40 में से क्या होगा कि 15 यहाँ पे जाएगा, बाकी का 25 इधर का स्पेस रहेगा। ओके अब हमें इसको पॉकेट करना है, इसको ओके क्लोज वैसे पॉकेट वैसे टोटल डिस्टेंस दे देंगे हम नियरली 25। ओके फुल्ली पॉकेट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ये साइड का जो सेक्शंस है उसे क्रिएट करना है, इसे क्रिएट करना हो तो पहले इसे भी कर सकते हैं। तो इस साइड आते हैं हम, क्रिएट स्केच ज्योमेट्री रेक्टेंगल, ओके 15 है और 20 का हाइट है। ओके तो पहले एल प्रेस करते हैं 15, अगेन इसको भी 15 और आई प्रेस करेंगे 20, ओके इसको क्लोज करते हैं। फिर इसको हम पैड दे देंगे, रिवर्स ऑन कर देते हैं, पैड में हम देंगे 15, ओके अब आते हैं इस सेक्शन पे, इसको भी क्रिएट स्केच करेंगे। यहाँ पर जो है हमारा 35 टोटल हाइट है, उसमें से हमने 25 जो है ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 10 का गैप यहाँ पर होगा और टोटल 25 है। ओके तो सबसे पहले हम एक शेप क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक ज्योमेट्री देने के बाद पॉलीलाइन ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके समथिंग कुछ ऐसा। ओके अब इसमें जो है हमें वर्टिकल स्ट्रेट देख लेना है और फिर हॉरिजॉन्टली भी सब चेक कर लेते हैं। अब उसके बाद हमें डिस्टेंस देना है हाइट 10 का, यहाँ पर आई प्रेस करते हैं 10, यहाँ पर 25, फिर एल प्रेस करते हैं और टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर हम 30 दे देते हैं। ओके अब इसे हमें फिलेट देना है, तो फिलेट के लिए हम क्रिएट फिलेट करते हैं और फिलेट का जो रेडियस है वो यहाँ पर दिया नहीं है, बट हम थोड़ा सा जजमेंट करके ले सकते हैं फिलेट के 25, तो आई थिंक ये
15 का होना चाहिए के। अब हम यहाँ पर आते हैं, फिफ्टीन देख के देखते हैं हम। ओके, ये इसके थोड़े से आंसर में जाके भी हम देख सकते हैं, लुक कैसा है इसका, कि कुछ इस तरीके से है। ओके, तो आई थिंक रेडियस जो है थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, कि रेडियस हमारे में बहुत ज़्यादा है। वैल्यू इन्होंने दिया नहीं है, तो यहाँ पर हम फिर से रेडियस में जाते हैं। के और आर इसका शॉर्टकट है, 10 दे देते हैं। ओके सॉरी, इसमें हमें डबल क्लिक यहीं पे करना है और फिर इसे 10 कर देना है। ओके, तो इतना सा कर्व ठीक है यहाँ पर। ओके, अब हम इसका जो है डिस्टेंस देख लेते हैं कि हमें कितना इसका डिस्टेंस देना है। 15 है तो हम 15 दे देते हैं यहाँ पर। ओके, रिवर्स, और इसे हम वैल्यू देंगे 15। ओके ओके, तो ये हमारा पार्ट डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो चुका है। ओके, आई होप कि ये सब कुछ समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और दूसरे एक डायग्राम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।